हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर व्लॉग। तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, करीब एक दो साल हो गया है, तो मैंने अपने बालों को यू नो कलर नहीं किया है। तो मैं नेचुरली जो मेहंदी का पत्ता है इससे अपने बाल आज कलर करने वाली हूँ और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और अगर से आप लोगों को ये DIY हेयर पैक अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, तो ये रहा मेहंदी का पौधा और इसकी जो पत्तियां हैं इसको हम लोग तोड़ेंगे और इसका पेस्ट बनाएंगे। तो चलो तोड़ते हैं। अगर आपके पास ऐसा मेहंदी का पौधा नहीं है तो आप लोग जो हिना पाउडर आता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, मैंने जो मेहंदी के पत्ते हैं वो तोड़ लिए हैं और अब मैं इनका पेस्ट बनाने जा रही हूँ। मिट्टी रहा बस। इस पेस्ट बन चुका है, अब इसको हमें उबालना है एक यू नो लोहे की जो कढ़ाई होती है उसमें, ताकि उससे हमें आयरन मिले। वैसे लोहे के कढ़ाई में खाना बनाते हैं तो उसका स्वाद भी अच्छा आता है ना अंशु? तो इस वाले बर्नर पे भक भक ये कर रहा था तो मैंने इस पे बिठा दिया है इसको और ये चल रहा है। तो अब इसको हम गर्म करेंगे। सो गाइस, ये उबल चुका है, अब इसको हम लोग बंद कर देंगे। हम क्या, अब इसको मैं बंद कर दूंगी। तो अब इसको रेस्ट के लिए छोड़ देना है लगभग 15-20 मिनट के लिए। तब तक के लिए हमें कुछ और भी तैयार करना है तो वो मैं दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं नींबू पानी पी ले रही हूँ, अंशु ने बनाया मेरे लिए। तो गाइस, गर्मियाँ आ गई हैं, नींबू पानी जितना हो सके पिया करो और ये हेल्थ के लिए भी अच्छा ही होता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या करना है अभी बताती हूँ। रुक जाओ। सो गाइज, ये लड़की। सो गाइज, अब हमें चाहिए चुकंदर ताकि हमारे बालों में कलर आ जाए थोड़ा रेडिश, क्योंकि मुझे बरगंडी कलर चाहिए। ये जान बान चोटी क्या चुरा के ले गई।
तो अभी इसको हम लोग मिक्सर में पीसेंगे, देन इसका पेस्ट बनाएंगे। तो गाइस इसका पेस्ट जो है वो मैंने निकाल लिया है, तो इसके ढक्कन पे आ गया है सब कुछ, तो इसको जल्दी जल्दी निकाल लेंगे। होममेड लिपस्टिक। होममेड लिपस्टिक। गाइस अंशु कह रही है होममेड लिपस्टिक, वैसे बना सकते हैं चुकंदर से, है ना, खरीद के मत लाइए, बनाएंगे कभी, होममेड वाली भी लगा के देख लेंगे। गाइस ये कंजूस हो गई है बिल्कुल। कंजूस नहीं हुई। तो ये रहा खून। चुकंदर, खून नहीं है पागल। चुकंदर का रेड पेस्ट है, बीट रूट जिसको बोलते हैं। ये रहा आधा, ये खाने के लिए रख दिया है हम लोगों ने, ले इसको फ्रिज में रख। अच्छा, हमको सिखा दिया है। तो गाइस नेक्स्ट जो चीज़ चाहिए वो है कॉफ़ी पाउडर, तो मैंने ये वाला लिया है नेस्ले का, ये 10 रुपए का आता है, विवेक को भेज। और नेक्स्ट चाहिए, नेक्स्ट हमें अंडा चाहिए एक, और इसका जो यू नो वाटरी सा होता है जो पानी वाला, वो वाला चाहिए, येलो वाला पार्ट नहीं चाहिए। और एक नींबू चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, और ये मेथी दाना, फेनुग्रीक सीड बोलते हैं इसको, ये चाहिए। ये हमारे बालों को स्ट्रेट करेगा और केराटिन प्रोवाइड करेगा, तो ये अच्छा है। और ये मत सोचना कि बदबू बदबू आएगी तो लगा नहीं सकते, थोड़ी बहुत तो वो करनी पड़ती है ना, सेक्रीफाइस है ना अच्छे बालों के लिए, और ये गुड भी होता है अच्छे बालों के लिए। तो पहले हमें इसको, चाय पत्ती को और मेथी दाना को उबालना है पानी में, तो मैं अभी रख देती हूँ उबालने के लिए। वन टेबल स्पून चाय पत्ती और 1 टेबल स्पून मेथी दाना है, ये मैंने बोला नहीं था, और 1 टेबल स्पून ये है कॉफ़ी पाउडर। आज मेरी मोबाइल हीट होने लग गई है, ये रेडमी का फ़ोन है और ये बहुत जल्दी हीट होने लग जाती है। कोई फ़ोन सजेस्ट कर दो जो हीट ना हो, आई नो आईफोन होता है जो जल्दी हीट नहीं होता है, पर अभी वो अफोर्ड नहीं कर सकते हम लोग। सो गाइज अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है ऐसे ही। सो गाइज अब इन सबको हमें इस मेहंदी के पैक में ऐड करना है, तो सबसे पहले मैं इसको डाल देती हूँ, देन इसके बाद कॉफ़ी, देन इसके बाद एग। नींबू ऐड करना भूल गई, इसमें नींबू भी ऐड करना है। तो
गाइस मेरे बाल जो हैं वो सूख गए हैं, अब मैं जा रही हूँ इनको धोने नॉर्मल वाटर से, और कल मैं शैम्पू करूँगी और कंडीशनर लगाऊँगी।